हेलो फ्रेंड्स, आज आको नतुन एक्टा भिडिओ आज आपन लोग आलोचना करम 60x75 बिल्डिंग एखर प्लेनिंग चाक यू मडार्ण डिजाइन बनवा अलग इटालियन टाइप लुक्स तो दिया तो आशा करूँ भिडिओ आपन भल पा तो बोलो भिडिओ आरम्भ करूँ। भिडिओ आरम्भ कर आगत आपन लोग रिक्वेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल तो सबसक्राइब करा ना प्लीज सबसक्राइब कर लब और एने नतुन धरण भिडिओ आपन पाई तो यू हल आपनर फ्रंट एलिवेशन फ्रंटर सडरपा बिल्डिंग एने देख इतना फिनीशिंग हुआ ना जास्ट आंडार कन्स्ट्रकशन चलि तु गोटे बिल्डिंग अपना इटालियन टाइप डिजाइन अलग दीबले चेस्ा कर आगफाले गोटे फ्रंट एलिवेशन तो एने देख और फिनीशिंग कलर हम और धुनिया देख अपने तार पास इतना बेसमेंट एट रखा इतना जी बिल्डिंग आसोर ग्राउंड ऊपर फार्ष्ट और ग्राउंड फ्लोर और फार्ष्ट फ्लोर रखा तर तलत बेसमेंट टाइप अलग रखा जो इसेन्सियल क्या बस्तु रख ना पार्किंग बनाब पे सैड क्या सैड मैं पुखरी टाइप एट बनम तक माँ एरीम और गोटे सैड सैड आगफाले एने टाइप दिया तर फाउंटेन लगवा हम गोटे तक थको धुनिया देखिए बस्तु तो तो बोलो इतना आम भर पार्ट चम भर प्लेनिंग के दिया चाक यू हल एट स्टेप सीरीज यू फार्ष्ट तम मैं ग्राउंड बेसमेंट अलग हाइट रखा तो इफाले एट स्टेप दिया इफाले एट स्टेप दिया तो दूटा स्टेप दोफाले दूटा दिया और मेन स्टेयर जी आसो हल सीधा दिया बेसमेंट तो देखा अपना तलत अलग डाउन आस बस्तु तो तक सब बस्तु रखा हम पार्किंग दिया हम और एट सैड अलग ओपेन रखा तक फिशारे कारण अलग सरक पुखरी एट बनाए तक फाउंटेन लगे जो धुनिया देखी सीटों दिया और यू हल इत बिल्डिंग टोटल तीन सीढ़ी आए एक सीढ़ी देखिले और इफाले इफाले एट आसो फार्ष्ट फ्लोर जाने दूटा हल यू तार लगता एटाच बेडरूम आसान देखा यू हल जी बेक साइड जी उठ अपने बेक साइड जो काम कर तो यू बेक साइड दी पिछफाल दी उठी पार फार्ष्ट फ्लोर लेकिन तो तीन स्टेप दिया तीन सीढ़ी दिया जाते मानव सुविधा है चाक इफाले एट बेडरूम दिया इफाले एट बेडरूम तार पास आपन करिडोर सिस्ट करिडोर पा करिडोर पर इफाले ड्रईंग हल दिया इफाले एट बेडरूम इफाले एट बेडरूम लेफ्ट साइड एट राइट साइड एट बेडरूम दिया तार पास अपना बोलो इतना फार्ष्ट फ्लोर गुस जाओ फार्ष्ट फ्लोर उठी गले इत ओपेन उठिए अपना बेलकनी टाइप बहुत डांगर बेलकनी टाइप एट पा इत इच्छा कर बेडरूमो बनाब पारि कि ओपेन रखा जाते भल सोफा टोफा बहुत पारे ऊपर और आगफाले जी आगफाले जी रोड आस रोड भिउ तो इनको बहि चाह पार तो ये एट बेडरूम दिया वाल दिया हुआ ना सर बेडरूम गेस्ट रूम एट दिया और ऊपर रूप खि चाक एने सब इटालियन टाइप सब बनवा रूप खि प्लेन न इटालियन टाइप दिया तो तार पास आपनर और एक सीढ़ी तार पास आम फार्ष्ट फ्लोर पर ऊपर जामी सेकेंड फ्लोर ले गुस जा सेकेंड फ्लोर दो नम्बर फ्लोर जी आस उठी कि आपनर एक साइड बेडरूम पा लेफ्ट साइड राइट साइड तो बेडरूम आसे यह चाक इटर डांगर डांगर बेडरूम कटा रखा इार ऊपर तो सबफाले दिया इतना मजदूर पार्टिशन हम पार्टिशन तो इतना दिया हुआ ना पार्टिशन हम इतना धरक टोटल अपना चार पाँचा बेडरूम आसे डांगर डांगर अलमोस्ट पाँचा बेडरूम आसे और हल आसे किचेन आसे सब एटाच कर कमप्लीट हम यू आर्स कमप्लीट हम बनवा जा टाइल साइज लगवा पीछे बहुत धुनिया देखिए बाहरपर भरपर लुक्स एट बहुत धुनिया लुक्स एट और बेलकनी टाइप बेलकन ऊपर गोटेखि एक्सुअल डिजाइन दिया तो तक डिजाइन तो करें बहुत धुनिया देखिए और तक बहिओ भल पा तार पास आम लास्ट जी टप फ्लोर जी हम टपर ऊपर अक डिजाइने आसे धरक अपना इटालियन टाइप जी डिजाइन दिया गोटे ऊपरते आसे ऊपर चाक ये डिजाइन एने दिया तो गोटे आर सी सी है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीटर गोटेखि बनवा तक बेलेक् एक यूज करा ना अक सीमेंट ढाल है यू और ऊपर ये जी स्टेयर ऊपर जी दिया तक पानी टेंकी सेंकी रखे भल ऊपर कभार दिया कभार दिया हम और तार सीधा आगफाले और एक डिजाइन दिया हम यू मैं आपको देखा
ইফালে গৈ এটা চক এই ৰড কেইটা বান্ধা হৈছে। আপোনালোকে এইটো চাইডত দেখিলে ভালকৈ গম পাব, ইয়াত ইয়াত দেখিলে আপোনাক গম পাব। এইটো চাওক, ইয়াত ৰড গোটেই বান্ধা হৈছে, এইটো ওপৰত একদম টপ ফ্লৰত এইটো ডিজাইন দিয়া হ'ব। এইটো গোটেই এটা ধুনীয়া শ্বেপ হ'ব, আপোনালোকে পাইন আপল দেখিছে চাগে, পাইন আপলৰ টাইপৰ এটা ডিজাইন হ'ব এইটো। তার নিচিনা ডিজাইনটো দেখিলে বাহিরের পর বহুত ধুনিয়া হবো। অকল রেইনফোর্স খিনি বান্ধা হয়ে আছে, এতিয়াও এটা কাম হওয়া নাই, এটা কমপ্লিট হলে আপনাদের মানে ভিডিও এটা দেখাম। তারপর চাক ইয়ার উপরের পর ভিউ কি ধুনিয়া ভিউ, আগফালে দিয়ে রোড আছে, রোড থাকার কারণে ইয়াত বেলকনিত বহক, যাতে আপনাদের চেয়ার লো বহক, বহুত ধুনিয়া দেখব বস্তুটা, ফিনিশিং হলে বহুত ভাল দেখব। তো আশা করো আপনাদের দেখি ঘরটা দেখি ভাল পাব। যদি আপনাদের এনেকা প্ল্যানিংত এনেকা ডিজাইনত বনাব বিচাৰিছে তো বনাব পাৰে, ইচ্ছা করে যদি আপনার ভাল লাগিছে এনেকুৱা ডিজাইনত বনাব পাৰে। আর খালি কনস্ট্রাকশন খিনি ভালকৈ করব, কনস্ট্রাকশনের মেটেরিয়ালস খিনি ভালকৈ ইউজ করব, আর মিস্ত্রি ভাল লগাব যাতে রড শট ওলাই না থাকে, যিকোনো বস্তুর যাতে ক্ষতি নহয়। আপনাদের কনস্ট্রাকশন খিনি ভাল করব, অকল ডিজাইন করলে নহব, মেইন বস্তুটো ভাল করে দিব, সিমেন্ট রড সব ভাল কোয়ালিটি ইউজ করব। আশা করো ভিডিওটা ভাল লাগিছে, যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।